स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। एनुअल सिलेबस होगा आपका 2023-24 सेशन का। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, एक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक और आपका एक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट बुक में आपके सबसे पहले हम सिलेबस चैप्टर देखते हैं और ये चैप्टर मिड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यूनिट वन जो आपका आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके स्कोप क्या है, इसके फंक्शन क्या है, स्टैटिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको बताया जाएगा। यूनिट टू में कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें आपका चैप्टर टू आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर थ्री आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चैप्टर फोर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और ये उसके सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। यूनिट थ्री स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रेशन में आपका सेंट्रल टेंडेंसी आपका चैप्टर आता है पूरा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये उसके सब टॉपिक हैं। और पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक वाली बुक में से आपका चैप्टर जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक की, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। यूनिट फाइव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में आपका सेकेंड यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थर्ड आपका इंडिफरेंस कर्व एनालाइज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और फोर्थ चैप्टर आपका डिमांड, फिफ्थ चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपके चैप्टर्स आएंगे। सिक्स यूनिट में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर होगा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड कोस्ट चैप्टर आएगा। ये दोनों बुक का सिलेबस यहाँ तक मिड टर्म आपका 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें फिर आपकी प्रिपरेशन होगी मिड टर्म एग्ज़ाम की और डिस्कशन वगैरह आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा। देन यहाँ से इसके बाद आपका फाइनल टर्म का पेपर स्टार्ट, फाइनल टर्म के लिए तैयारी स्टार्ट होगी। बट फाइनल टर्म के सिलेबस में मिड टर्म का सिलेबस तो आएगा ही, मिड टर्म का भी आएगा प्लस में फाइनल टर्म का चैप्टर्स भी आएंगे। तो अब हम फाइनल टर्म के चैप्टर्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पहली बुक से ही आपका थर्ड यूनिट जो स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन है, उसमें कोरिलेशन आएगा और इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स आपका चैप्टर आएगा। सेकेंड वाली बुक है जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से जो सिक्स्थ यूनिट है, उसमें आपका चैप्टर रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड सेवेंथ यूनिट में से आपका इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट विद प्राइस डिटरमिनेशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद, ये सारे चैप्टर्स आपके आएंगे। पार्ट सी जो है यानी पार्ट ए बुक हो गई, पार्ट बी दूसरी वाली बुक हो गई इकोनॉमिक्स में। पार्ट सी का मतलब है आपकी जो लिस्ट होंगी क्लास 11th में आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने होंगे इकोनॉमिक्स के अंडर, वो आपको यहाँ पे लिखे हुए दे रखे हैं। तो यही था आपका सिलेबस और यहाँ पे आपको बुक बता रखी है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, दोनों NCERT है और ये सारा सिलेबस 31 जनवरी 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका एनुअल एग्ज़ाम होल सिलेबस यानी मिड टर्म का सिलेबस भी और फाइनल टर्म का सिलेबस दोनों पे बेस होगा और आपका पेपर्स होगा और फरवरी में, और 15 फरवरी है डेट भी आ गई है। तो अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम इसे एक बार आपकी जो आपकी बुक है फर्स्ट सेकंड दोनों बुक उसमें मार्क करा देते हैं आपके चैप्टर, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड कलेक्शन ऑफ डाटा, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फोर्थ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, सेवन चैप्टर इंडेक्स नंबर और एट चैप्टर आपका यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल रूल। इन चैप्टर्स में मैंने कौन सा मिड टर्म बताया वो आपको मिड टर्म लिख देना है और जब मैंने एनुअल टर्म बताया वो आपको एनुअल टर्म लिख देना है। देन सेकेंड बुक हम देख लेते एक बार। तो जो सेकेंड बुक है वो अभी आपकी रिफ्रेश नहीं हुई है, तो वो आप, मैंने यहाँ पे चैप्टर मार्क करा दिया, आप उन्हीं में देख सकते हैं। कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।